चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे। के डोरी पे सवार बादलों के पार, जैसे उड़न कटोला चली रे, चली रे चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे। वेलकम डियर व्यूअर, टुडे माय कंटेंट इज अबाउट मोहम्मद रफी साहब्स एंड किशोर दा वन सॉन्ग्स फॉर काइट फ्लाइंग्स गिविंग टू इंफॉर्मेशन। दोस्तों, किशोर कुमार ने भी ऐसा गीत गाया जो पतंगबाजी में, जो पसंद में, कैसे गीत गाया जो मोहम्मद रफी साहब का रिकॉर्ड उसने तोड़ दिया, क्योंकि इंस्पायरेशन सॉन्ग्स 1970s के जो सॉन्ग की हम बात कर रहे हैं, एक ऐसा गीत जो मोहम्मद रफी साहब ने जो उस जमाने में, दोस्तों ये गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी साहब ने ये गीत गाया, और इसमें जो आवाज़ें हैं मुख्तलिफ किस्म की, मोहम्मद रफी साहब ने ये दोस्तों भावी फिल्म्स में जो गाना 1957 की फिल्म्स थी उस ज़माने में, लगभग जो भावी फिल्म्स उस ज़माने में थी जिसमें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी साहब ने दोस्तों गाना गाया, और ये गाना जो उस ज़माने में लेक्चर्स बॉस में गीत बहुत कामयाब रहा, और इस के जो गीत रजेंद्र ने लिखे थे और शंकर कृष्ण ने इस गीत का इसको संगीत दिया, और यहाँ पे उसको गीत को मोहम्मद रफ़ी साहब ने बहुत सुर में गाया, जिसमें लता मंगेशकर ने आ, 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 चली चली रे पतंग मेरी चली रे, ओके डोरी पे सवार के बादलों के पार। दोस्तों, ये जो गीत जो नेचर पे आधारित है, जो बादलों पे जो आपकी जो एक टेंशन दूर होती है, ये गीत उस जमाने में बहुत आधारित रहा। ये गीत जो उस ज़माने का बहुत ही सफल है गीत रहा, लेकिन इसके मुकाबले में अब 70 के दौर में जो राजेश खन्ना का जो गीत है, जो किशोर कुमार ने इंस्पायरेशन सॉन्ग गाया, वो तो क्लासिकल सॉन्ग, दिस इज़ अ रोमांटिकल सॉन्ग्स ऑफ किशोर दा द बेस्ट। दोस्तों, इसकी घटनाएं कुछ इस तरह है कि इस को वीडियो को अंत तक देखें। यहाँ पे ये गीत आप आर डी बर्मन ने इस गीत को इसका संगीत दिया, और नमक हराम फिल्म का ये गीत जो है 1973 की फिल्म है, जिसमें राजेश खन्ना, रेखा और कई ऐसे दूसरे कलाकारों ने, और एक ही का ये उस ज़माने में गीत था, और किशोर कुमार की आवाज़ और आर डी बर्मन ने इसका संगीत दिया, और इसने मॉडर्न टेक्नोलॉजी में है। और दोस्तों, ये गीत बहुत ही शानदार है, लेकिन इस गीत की छोटी सी घटनायक जो बहुत ही शानदार घटनायक है, दोस्तों इस गीत को एक शायर, इस फिल्म को आप देखें दोस्तों, नमक हराम फिल्म के अंदर राजेश खन्ना जो एक शायर है, जो उसके घर में बहुत सी पतंगे हैं, और उस फिल्म के इस गीत के अंदर, और उसकी महबूबा उसको लिफ्ट नहीं देती, और उसकी महबूबा उसको दिल जला देती है, और वो बार बार जो है पतंगे लेते हैं, और दिल का बहुत अच्छा है, एक शायर है, शायरी कविता लिखता है, शायरी लिखता है, और वो इतना अच्छा है, और उसके गीत जब वो लिखता है, और उसके जो पैसे कमाता है, वो सारे पैसे जो है वो जो है वो जितने कितने जो गीत लिखता है, उसकी गीत की जो कमाई है वो बच्चों के लिए पतंगे लेता है, और उसके कमरे के अंदर पतंगे हैं। और राजेश खन्ना ने जो है इस गीत को बहुत दर्द के साथ गाया, और किशोर कुमार ने तो हद कर दी इस गीत में। और दोस्तों, यहाँ पे ऐसा गीत है कि इस गीत के अंदर जो है एक शायर का दर्द है, और जब वो उसकी ज़िंदगी की आखिरी सांसें रोक रही होती हैं, और उसकी जान में जान आती है, और आखिरी उसके चेहरे पे बहुत उदासी है, और आखिर में वो जो है मरते वक्त आखिरी सांसों में कहते हैं कि ये मेरी जो सारा पैसा है, मेरे जो सारा दीवान है, इसको बेच के सारे पैसे जो पतंगे हैं ये अपने मोहल्ले के गरीब लोगों को दे दे रहा। और ये गीत बहुत ही यथार्थ है, और इस गीत को जो है राजेश खन्ना ने गाया, और किशोर कुमार की आवाज़ बने, और यहाँ पे इस गीत के अंदर जो है बहुत दर्द है, और इस गीत को आप YouTube पे देख सकते हैं, जो किशोर कुमार ने तो इसमें हद कर दी है। और गीत कौन सा है, मैं शायर बदनाम, मैं शायर बदनाम, चला
महफिल से नाकाम हो मैं चला मैं शायर बदनाम मेरे घर से तुम कुछ समां मिलेगा मेरे घर से तुमको कुछ समां मिलेगा दीवाने शायर का एक दीवान मिलेगा और एक चीज मिलेगी टूटा खाली जाम मैं शायर बदनाम लो मैं चला लो मैं चला। दोस्तों ये गीत जब चल रहा होता है और उसकी पतंगें दिखाई जाती हैं इस गीत के अंदर आप देखें और उसकी महबूबा उसके पास आ जाती है लेकिन उसकी माँ उसके पास पहले से रो रही होती है और बहुत ही गमगीन उसके चेहरे पे एक्सप्रेशन हैं जो शायर पड़ा हुआ है। और राजेश खन्ना ये गीत गाते हैं और उसकी महबूबा जब आती है जो उससे प्यार नहीं करती उसको सताती है तड़पाती है जिस तरह करती है तो उसको तड़पाती है और उसके पास आती है और बाद में जब उसकी आखिरी सांसें हो रही हैं और फिर भी उसको मुस्कुरा के देख रहा होता है आखिरी वफा भी यही है और ये जो है बाद में बहुत रोती है पछताती है लेकिन ज़िंदगी से कुछ हासिल नहीं कर सकती और उसके आखिरी शमा के लहमात बुझने के होते हैं। और ये गीत जो किशोर कुमार ने जो गाया है तो दोस्तों ये आज की घटना एक किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी साहब का जो गीत आपको हमने सुनाया ये फिल्में आप ज़रूर देखें यूट्यूब पर देखें और हमें तो इसने बहुत गमगीन कर दिया। आज पहली बार कई बार रोया हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें मेरा तो दिल बिल्कुल टूट गया है किशोर कुमार की आवाज़ सुनकर और उसकी जो जो घटनायक है इसको आप ज़रूर जो है फिल्म नमक हराम में देखें 1973 की फिल्म से आर डी बर्मन से म्यूज़िक दिया किशोर कुमार की आवाज़ है। मैं शायर बदनाम थैंक फॉर वॉचिंग।